हालती हो गई हिमाचल प्रदेश में कि हम अभी भी कांग्रेस की पीड़ा से यहाँ पे पीड़ित हैं। जब से इन्होंने केंद्र सरकार ने आपकी बेटी को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से इन लोग मेरे बारे में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। ये मुझे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है मंडी के लिए, मंडी में इतनी बड़ी त्रासदी आई। मैं इन्हें पूछती हूँ कि तुम लोगों की सरकार थी, तुम लोगों ने क्या किया? अरे तुम लोगों के पेट इतने वो है कि तुम लोगों का पेट भर ही नहीं सकता है। यहाँ पे जैसे मेरे भाई राणा जी ने कहा कि सारे देश ने कांग्रेस की सरकार को ठुकरा दिया है, अब वो बीता हुआ एक जमाना बन गया है जिससे भारतवर्ष बहुत आगे निकल चुका है, खत्म हो चुकी है वो भ्रष्टाचार वाली दुनिया जब हम सिर्फ घोटालों के ही बारे में सुना करते थे। ये घोटाला चारा खा गए गांव का, बिजली का कोयला खा गए, और तो और ये संचार के साधनों को खा गए, सब खा गए, चले गए हैं वो जमाने। अब आजकल के जमानों को देखिए, भारतवर्ष हर चीज में आगे निकल रहा है, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो महिलाएं वायुसेना में हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसान क्रांति हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, हर एक रेस में हमारा भारत सबसे आगे निकल रहा है। तो फिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई हिमाचल प्रदेश में कि हम अभी भी कांग्रेस की पीड़ा से यहाँ पे पीड़ित हैं? देखिए क्या माहौल है यहाँ पर, इन लोगों की सरकार चलाएंगे तो क्या, इनकी सरकार टिक तक नहीं पा रही है। और जब से इन्होंने केंद्र सरकार ने आपकी बेटी को प्रत्याशी घोषित किया है, तब से इन लोग मेरे बारे में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मंडी की बेटी बहनों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों ये मुझे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है मंडी के लिए, मंडी में इतनी बड़ी त्रासदी आई। मैं इन्हें पूछती हूँ कि तुम लोगों की सरकार थी, तुम लोगों ने क्या किया? यहाँ नड्डा जी आए, यहाँ गडकरी जी आए, जबकि यहाँ पे उनकी सरकार नहीं है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। हमारे होम मिनिस्टर जी ने 1800 करोड़ की राशि दी इन्हें, कहाँ गई वो राशि, मैं पूछती हूँ कहाँ गया वो पैसा? ये कांग्रेस वालों ने खुद ही मिल बांट के वो पैसा हड़प कर लिया दोस्तों, न जाने कितने हजारों करोड़ का इन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया है और खा गए। और हमेशा कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अरे तुम लोगों के पेट इतने वो है कि तुम लोगों का पेट भर ही नहीं सकता है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अक्सर उन्हें मीडिया में आना पड़ता है और ये बात की पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है कि भाई आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, लेकिन वो हमारी हिमाचल की जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों हम लोग जिस रफ्तार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है।